अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर GTA 5 रियल लाइफ मोड्स वीडियो आफ्टर 2 मंथ्स। तो यार सॉरी, पता है काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया मैंने, तो उसके लिए यार सॉरी। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट हूँ चैनल पे और वीडियोस डेली तो नहीं यार, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो लेके आने की मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी। तो यार आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर ज़रूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ और बस एंजॉय करो वीडियो। तो यार अभी ज़रा मैंने कम बैक किया तो वीडियोस की क्वालिटी और उस तरह का वॉइस ओवर हो सकता है पहले की तरह हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वापस सेटल होने में। तो उसके बाद फिर हम उसी तरह वीडियोस अपलोड करेंगे जैसा करते थे। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में बताना कि और कौन सी गेम्स और सीरीज़ जो हमारी थीं वो आप देखना चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ वो। तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। ये तो मुझे पता आप लोग कमेंट करोगे क्या चैनल का पासवर्ड याद आ गया तुम्हें अब 2 महीने बाद। तो हाँ यार, चैनल का पासवर्ड याद आ गया मुझे। तो बस बताना कमेंट्स में कैसी लगी वीडियो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंजॉय करो। ओ यार चलो चलते हैं यार। फाइनली माइकल भाई 2 महीने के बाद यार वापस आ ही रहे हैं। तो माइकल भाई भी पता नहीं 2 महीने से नॉर्थहैम्पटन में क्या कर रहे थे। जिमी भी चला गया था उनके साथ ही, हसन को भी साथ ही ले गए थे, सिर्फ मुझे यहाँ छोड़ गए यार। चलो खैर, उनकी मुझे मैसेज आ गया था कि रात को 2 बजे उनकी फ़्लाइट उतरनी है, लैंड होगी, तो मैंने एयरपोर्ट लेने भी जाना। अभी जिमी की 125 तो मेरे पास है, शोरूम भी बंद पड़ा है यार 2 मंथ से। चलो कोई बात नहीं, अब माइकल भाई आ रहे हैं तो सब कुछ सेट हो ही जाएगा, पहले जैसा कर ही लेंगे सब कुछ। गाड़ियाँ भी ख़रीदनी पड़ेंगी, शोरूम भी सेट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं शोरूम की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से जाके यार मैंने चाबियाँ पकड़नी है माइकल भाई के घर की और लैंड क्रूज़र की, क्योंकि उनको लैंड क्रूज़र में लेने जाना है मैंने एयरपोर्ट। माइकल भाई का घर भी 2 महीने से बंद पड़ा है, मैं भी नहीं गया देखने क्या चक्कर है क्या नहीं। मैं तो खुद यार गाँव चला गया था और 2-3 दिन पहले ही वापस आया हूँ। माइकल भाई का कोई इशू हो गया था जिसकी वजह से यार वो नॉर्थहैम्पटन चले गए और फिर 2 मंथ से वो वहीं फंस गए थे यार। उनको फ़्लाइट भी नहीं मिल रही थी वापस आने की, कोविड की वजह से यार उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही थी बार बार। तो कोई बात नहीं यार, अब वो वापस आ गई हैं तो अब सब कुछ सेट हो ही जाएगा। जिमी की 125 तो मेरे पास ही खड़ी हुई थी इधर मेरे घर, ये गुड चीज़ है यार। ये 125 चल रही है, बिल्कुल सेट है। अब मुझे ये कंफर्म, ओ भाई साहब क्या हो गया है, आप पागल है क्या यार। एक तो यार अजीब लोग आ जाते हैं सुबह सुबह यार, दिल नहीं करता ऐसे लोग मुंह लगे। अरे यार अब मुझे एक बात की टेंशन लगी हुई है यार, वो जो लैंड क्रूज़र है या फिर उनकी जो गाड़ियाँ हैं दोनों यार, उनकी बैटरियाँ बैठ ना गई हों या टायर ना बैठ गए हों। अगर ऐसा कोई इशू हो गया ना तो यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं अब हसन भी नहीं है, माइकल भाई भी नहीं है, यूसुफ भी गया हुआ है गाँव में, उसने भी अपनी दुकान बंद की हुई है 2 मंथ से। देखो यार शोरूम यार 2 महीने के बाद वापस आ रहा हूँ शोरूम पे, कोई गाड़ी नहीं खड़ी यार, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ शोरूम पूरा यार। खैर इसकी रौनकें वापस लेके आएंगे, अंदर प्यारी प्यारी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे इंशाल्लाह। ओए होए होए, बिल्कुल ही खाली पड़ा यार ये तो। अब ये दरवाज़ा खोलना है, एक मिनट। ए हैं, अबे ये तो जैम हो गया यार। अरे खुल जा यार, अबे ये तो खुल ही नहीं रहा। अभी मैं दिखाता हूँ इसको अपनी पावर। ए 1 2 3। ओह यार ये मेरी बाजू, कोई बात नहीं, घर जाके विंडो जीन लगा लूँगा। फिलहाल यहाँ चाबियाँ पड़ी हुई माइकल भाई के घर की, लॉकर के अंदर इधर चाबियाँ पड़ी हुई हैं और गाड़ी की भी। एक मिनट गाइस मैं निकाल लूँ। चलो चाबियाँ यार मैंने ले ली हैं और भाई निकलते हैं जल्दी से, 125 में निकलते हैं। इसमें पेट्रोल भी पता नहीं कितना जिमी ने डलवाया हुआ था, मुझे याद नहीं यार। हम लोगों ने ट्रिप पे जाना था, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि माइकल भाई को एकदम इमरजेंसी हो गई और वो चले गए यार। 2 मंथ्स के बाद वापस आ रहे हैं यार वो। ओए ओए ये बंद हो रही है यार, ओए यार इसका प्लग साफ़ करने वाला लगता है। होए होए यार 125 चलाने का क्या मज़ा आ रहा है। गांव में तो मैं कब से यार, गांव में तो यार मैं गधा रेडी पे घूम रहा था यार। करे 70 मिल गई मुझे। ओहो 125 यार, मैं भी इतना हिल गया हूँ यार। चलो कोई बात नहीं यार, माइकल भाई का घर पहुंच तो गया हूँ मैं, बस यहाँ पर अल्लाह करे गाड़ियाँ सही सलामत खड़ी हों। ओए होए होए भाई 2 महीने से घर बंद है इनका। हैं ओए दरवाज़ा खुल जाए यार, ये ऑटोमेटिक गेट खुल क्यों नहीं रहा, इससे क्या हो गया। अबे ये तो बंद है यार, स्कैनर भी बंद है इसका, मेरे ख्याल से यार लाइट चली गई है। ओए खुल जा, ओए यार ये तो अंदर से खुलेगा, अब बाहर से तो ये खुलेगा नहीं, मैनुअल तरीके से अंदर से खोलना पड़ेगा। अब अंदर किस तरह जाऊँ मैं। 1 मिनट इधर बाइक लॉक करते हैं। अबे यार दूसरी साइड से चलते हैं ना मुझे पता है यहाँ से ये रास्ता है। अब यार कोई मुझे देख ना ले, पता चले मुझे कोई चोर समझ ले यार और बाद में पुलिस बुला ले। नहीं नहीं कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा यार, चलो निकलते हैं। अब वो गेट खोलना है यार, वैसे ये गेट खोलेगा कैसे, मैंने तो कभी ये गेट खोला भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं यार। यार यहाँ तो कोई लॉक भी नज़र नहीं आ रहा। ओए खुल जा, ओए खुल जा यार, तो जैम हुआ पड़ा यार। 1 मिनट शायद अंदर से जाके शायद इसका कनेक्शन काटना पड़ेगा। ये बिजली तो आ नहीं रही यार, क्या सीन है। चलो अंदर जाके देखता हूँ, शायद कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। भाई यार क्या सीन है अजीब। ओहो ये क्या पड़ा हुआ है। अबे ये तो बिजली का बिल, ये तो नोटिस है यार। हैं ये क्या नोटिस है। आपने दो हैं ये क्या, 2 मंथ से बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल नहीं पे किया यार, हाउस का टैक्स भी पे नहीं किया। ये क्या सीन हो गया, उन्होंने बिजली भी काट दी है यार, गैस पानी सब कुछ काट दी है। शिट यार माइकल भाई क्या करेंगे अब। ओए होए यार तो बड़ा बेइज्जती हो गई, माइकल भाई की इज्जत तो हो गई यार। चलो ये दरवाज़ा तो खोलूँ मैं, अब अंदर तो जाऊँ यार। अब माइकल भाई जाने उनका काम जाने हैं। अबे ये वाले कौन से लैंप चल रहे हैं अजीब। चलो खैर यार। ओए होए होए गाड़ियों का असर देखो यार, जिमी की गाड़ी भी कितनी गंदी पड़ी है। चलो यहाँ से कनेक्शन तो काटूँ मैं सबसे पहले गेट का। ओ यार गेट मैंने खोल ही दिया, लेकिन अब उसका धक्का लगाना पड़ेगा यार, लॉक तो हटा दिया उसका। यार मैं अकेला किस तरह यार इसको धक्का लगाऊंगा मैं। खुल ही गया यार, अरे बहुत थक गया यार मैं तो। इतनी मुश्किल से गेट खुला है ना ये। जिमी की 125 यहाँ ही लगा देता हूँ। 125 यार मैंने अपने घर के अंदर खड़ी की हुई थी, तो देखो यार कितनी साफ़ सुथरी है। हल्का फुल्की मिट्टी थी यार, वो मैंने कपड़े से साफ़ कर ली। ओए होए यार इस लैंड क्रूज़र का हाल देखो, इतनी गंदी हुई हुई है यार ये गाड़ी तो। यार अजीब। चलो इसको अब धुलवाना पड़ेगा, पहले जाके सर्विस करवानी पड़ेगी। दफ़ा गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, अल्लाह करे यार ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए बस। इसकी बैटरी बैठ गई हुई ना तो मुझे बड़ा मसला होना है यहाँ पर। ओए होए तो स्टार्ट हो गई भाई। अब भाई V8। ओए यार इतनी गर्मी है यार अजीब। चलो यार एसी तो मैंने चला दिया, अब गाड़ी थोड़ी चिल होती है। दरवाज़ा खोल ही देता हूँ यार मैं, इसके अंदर तो इतनी यार गर्मी हुई हुई है यार, हीट पैदा हुई है पूरी गाड़ी में। 1 मिनट सफ़र करूँ मैं, इसका इंजन देख लूँ। इंजन तो ओके है यार, बैटरी भी बिल्कुल ठीक है, कोई पानी वगैरह भी लीक नहीं कर रही यार, बिल्कुल सेट है। तो मैंने माइकल भाई को कहा था इसमें ड्राई बैटरी लगवा लें, इन्होंने यार ये पानी वाली लगाई हुई है। चलो खैर कोई बात नहीं। कौन सा ये माइकल भाई की गाड़ी है यार, ये सेल करने के लिए ली थी यार, इस पर हम लोगों ने ट्रिप पे जाना था, लेकिन फिर माइकल भाई ऐसे चले गए, फिर वापस ही नहीं आए यार। चलो कोई बात नहीं यार, अब इसको निकालते हैं गाड़ी को बाहर। गाड़ी तो सेट हो गई है। चलो निकलते हैं यार। अब पहले किधर जाना है यार, पहले वॉश पे लेके चलते हैं गाड़ी को, वॉश करवाते हैं, और उसके बाद यार रात को एयरपोर्ट पे जाना है माइकल भाई को लेने। पहले तो इसको निकालते हैं ना यार यहाँ से। गाड़ी तो यार सही चल रही है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसकी ब्रेक्स का मसला है यार। ब्रेक्स का मसला इसका उस वक्त भी था और ब्रेक का मसला इसका अभी भी है। चलो यार गेट को बंद कर देते हैं। अभी ये क्या माइकल भाई के माइकल भाई के मैसेज आए हुए हैं यार, कॉल भी आई हुई है। हेलो माइकल भाई, हाँ क्या हाल है सदीक? मैं बिल्कुल ठीक, हाँ बताओ फिर गए हो, मेरी गाड़ी निकाली है? जी माइकल भाई गाड़ी मैंने निकाल ली, मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊँगा 2 बजे। हाँ चलो ठीक है, आज से पहुंच जाना यार। जी ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़। चलो यार माइकल भाई तो पूरे 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, बस निकलते हैं यार, टाइम कम है यार। मैं खुद थका हुआ कल से आया हूँ, मुझे खुद रेस्ट चाहिए यार। मैं सोऊंगा भी घर जाके थोड़ी देर, उससे पहले मैं गाड़ी को साफ़ करवा लेता हूँ और घर चलता हूँ। फिर मैं रेडी भी होना है और इसके बाद फिर माइकल भाई को लेने जाना है यार एयरपोर्ट। वाह यार V8 के भी अपने मज़े हैं यार। गांव में गद्दा रेडी चला चला के यार मैं तो, मेरे तो हाथों में छाले पड़ गए हैं यार। गाड़ी चलाने का यार क्या मज़ा है यार, मज़ा आ गया यार आज तो। यार इस गाड़ी की ब्रेकें नहीं सही यार, उस वक्त भी माइकल भाई को कहा था इसके ब्रेक पैड्स चेंज करवा लें, अभी भी ये गाड़ी ब्रेक नहीं लगा रही सही तरह से। भाई यार किधर था वो स्टेशन वॉश वाला? इधर ही है यार। हाँ यार इस पेट्रोल पंप पे वॉश होती है गाड़ी, माइकल भाई भी इधर से करवाते होते हैं, मैं भी दसी करवा लेता हूँ यार। हाँ यही है कार वॉश। चलो भाईजान, ओ भाईजान, अरे अल्ले 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 भाईजान आ गए आप? हैं भाईजान, मैंने आपको कब कहा था मैं आऊँगा? ओ यार मैं वैसे कह रहा हूँ, वॉश करनी है ना? हाँ जी भाईजान पूरी वॉश करनी है, पॉलिश भी करनी है। ओके हो गया सीन, ओके हो गया, सेट हो गया भाईजान, अभी आपकी गाड़ी वॉश करते हैं। ओए ओए यार V8, मेरे पास बहुत कम V8 आती हैं यार, ज़्यादातर मेहरान करोला वगैरह आती है। हाय 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 आज तो यार V8 आ गई यार। अभी 4-5 स्टेटस बनाता हूँ इस गाड़ी के साथ। ड्राइविंग V8 विथ 69 अदर्स। हाय हाय, इसका पहले यार इंजन वगैरह पे पानी लगा लेता हूँ। भाईजान यार बताएं आजकल मास्की डाल का क्या रेट चल रहा है? अल्ले अल्ले भाई गाड़ी चेक करो, ओए होए ए चिकनी कर दी है यार मैंने, ए चिकनी। वाह यार क्या गाड़ी, मज़ा आ गया। गाड़ी को चेक करो यार कितनी कमाल की लग रही है। ये यार मेरे हाथों में जादू है। चलो अब जल्दी से इसको कपड़ा लगाता हूँ, पॉलिश वगैरह लगाता हूँ। आए हाय यहाँ पर तो डिंग डोंग बबल भी पड़ी है यार, फ्रेशअप भी पड़ी है यार, ले लेता लेकिन अभी टाइम नहीं निकलते हैं यार। यार माश की दाल तो बड़ी महंगी हो गई है यार, मैंने सोचा था घर में वो पका के खा लूँगा, आज गुजारा ही करना है यार, पैसे तो है नहीं। अभी माइकल भाई आएंगे ना तो पैसे देंगे। भाईजान हो गया काम? अरे भाई ऐसा काम किया, चेक करो अपनी गाड़ी तुम यार। अरे यार ये क्या कर दिया, मुझे क्यों मार रहे हो भाई? ओ सॉरी भाईजान। अच्छा आप बताएं कितने पैसे लेंगे? यार मैं लूँगा 100 रुपये, लेकिन मैं लूँगा 2000, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया। अरे यार भाईजान सॉरी ना आप, अच्छा आप पैसे तो ले लें अपने, मैं जी जाना है यार, मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं यार पहले तुमने मुझे मारा है। अच्छा चलो 2000 दो। 2000 नहीं दूंगा मैं, 1000 दूंगा। अरे यार मैं नहीं ले रहा यार। ये लो पकड़ो 1000 रुपये, पड़े लेने लो, नहीं लेने ना लो, मैं जा रहा हूँ। ओए भाई ये क्या तमीज़ है यार तुम्हें, क्या ये क्या? ओ यार ये क्या कर यार भाई, पैसे 2000। अरे अजीब यार, 1000 रुपया वॉश का दे रहा हूँ वो भी नहीं ले रहा यार। इसको तो लोग 200 रुपया नहीं देते, मैंने फिर 1000 रुपया दे दिया। चलो यार अब जल्दी से चलता हूँ घर। ओह यार यहाँ से कोई बर्गर वगैरह, अंडे वाला बर्गर खा लूँ यार। नहीं यार अभी टाइम नहीं है, माइकल भाई ने फिर गुस्सा होना अगर मैं लेट पहुँचा यार। उनके अब पहुँचने से पहले पहुँचना है, मैंने जाकर भी सोना भी है यार, मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा है यार। अब मैं गाड़ी किधर खड़ी करूँ ये भी नहीं समझ आ रहा, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ा करना अज़ाब है यार। इधर ऐसे लोग होते हैं ना यार, नज़र रख के बैठे होते हैं हर वक्त, कभी भी गाड़ी उठा सकते हैं। पूरा गुंडों वाले इलाके में रहता हूँ यार मैं, अब क्या कहूँ यार, पैसे कम है यार, रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता मैं महंगी जगह का। अभी माइकल भाई आएंगे ना तो माइकल भाई से बात करूँगा कि मुझे अपने साथ रखें कुछ अर्सा, तो इस इलाके में यार मैं नहीं रह सकता। यहीं पर गाड़ी कहीं लगा देता। ओह हो भाई सामने सिविक एक्स, ओ यार ये तो वो है RS टर्बो है। वाह यार RS टर्बो देखने को मिली है यार, आंखें ठंडी हो गई हैं मेरी, इतने अरसे से यार गधा गाड़ियाँ देख रहा था वहाँ गांव में। ट्रैक्टर गदा गाड़ी देख देख के मेरा बुरा हाल हो गया। तो ओए क्या RS टर्बो खड़ी है, सेम ऐसी गाड़ी उसके पास है, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला, क्या नाम था उसका, अहमद। हाँ क्या कमाल की गाड़ी है यार। चलो अब चलता हूँ जल्दी से, जाके रेडी भी होना है, सोना भी है, खाना भी खाना है और उसके बाद एयरपोर्ट भी जाना है यार। ये देखो यार सामने ये खड़े हैं, सारे गुंडे खड़े हैं यार, इनसे प्यार से पास से गुजरना पड़ता है वरना यार ये लोग कभी भी पीछे पड़ सकते हैं। चलो यार, चलो गाइज अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलता हूँ, मैं ज़रा खाना खा लूँ और सो लूँ थोड़ी देर, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अबे यार लेट हो गया यार, ये क्या किया मैंने। माइकल भाई एयरपोर्ट पे कब से उतरे में यार, मेरी तो आज बड़ी बिस्ती होनी है यार। एक तो 2 महीने बाद वो आ रहे हैं, ऊपर से मैं लेट पहुंचूंगा यार, शिट। निकलो 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 यहाँ से। चलो यार अब जहाँ इतना लेट हो गए हैं वहाँ अब क्या, 2 मिनट आधा घंटा और लेट पहुँच जाऊँगा, कोई बात नहीं, आराम से चलता हूँ गाड़ी लेके। जल्दबाजी में यार मैं गाड़ी मार ना दूँ ना, एक तो वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी मेरे हाथ पकड़ा दी है, ऊपर से 2 महीने से यार मैं गधा गाड़ी चला रहा था, वहाँ पर मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आ रही सही तरह से। प्यार से निकालते हैं यार इस गाड़ी को, ये लग लुक भी गई ना तो माइकल भाई ने मुझे वैसे ही नहीं छोड़ना यार। वैसे भी उनका काम धंधा 2 महीने से बंद हुआ भाई यार, बिल्कुल वेले हुए हैं वो, ना उनके हाथ पैसा है लगता है ना कुछ है भाई। जब शोरूम ही नहीं चल रहा था तो उन्होंने कहाँ से पैसे कमाने थे। घर का बिजली का बिल भी क्लियर करेंगे यार ये लोग, इनकी तो अच्छी खासी यार बुरे हालात हो जाएंगे अब तो। यार एयरपोर्ट मेरे घर से बहुत करीब है यार, 2 मिनट का रास्ता है, मैं 2 मिनट में पहुंच भी जाऊंगा। चलो यार बस अब पहुंचते हैं एयरपोर्ट। ओए होए यार ये क्या कर दिया, मैं तो यार रॉन्ग वे आने लग गया यार। बताया तो आप सबको यार, मैं वहाँ पर गधा गाड़ी चला के ना यार मेरा हाथ ना छाले पड़ गए हैं यार, गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला नहीं जा रहा मुझसे यार, भूल गया हूँ गाड़ी किस तरह चलाते थे यार। अब बस माइकल भाई के साथ काम करना है यार, जल्दी से शोरूम पर गाड़ियाँ लेके आनी है यार। ओए हाँ याद है माइकल भाई ने तो नया घर भी लिया था, सच याद है, मैं भी भूल ही गया था। उसका भी देखते हैं माइकल भाई ने क्या करना है क्या नहीं। एयरपोर्ट तो मैं पहुंच ही गया हूँ, बस अब जल्दी से यार माइकल भाई को पिक करते हैं यहाँ से, और फिलहाल मैं उनको अपने घर ही लेके जाऊँगा क्योंकि यार उनके घर तो आपको पता है वो बिजली की सारी यार कट गई है, उधर जाके उन्होंने गर्मी में मरना तो है नहीं अब। या कहीं उन्होंने शायद होटल में कहीं स्टे कर लें, अब पता करते हैं माइकल भाई से उनका क्या मूड है। किधर खड़े हैं ये लोग, वो खड़े हैं माइकल भाई। ओए सदीक भाई, ओए आ गए यार सदीक भाई आ गए, ओहो लैंड क्रूजर लेके आए अपनी, ओए कितनी चमक रही है यार। ओए जिमी यार तू चुप कर यार, आए है यार, शुक्र है वापस पहुंचे। ओए सदीक भाई उधर भी जाओ आप यार, सदीक आगे लेके आ गाड़ी यार। बॉस ला रहा हूँ बस। ओहो यार कितना अच्छा लग रहा है बॉस से मिलके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक, क्या हाल है? बॉस मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अरे सदीक भाई सेटो बैठो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक जिमी। हाँ सदीक ठीक हो? हाँ हसन मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा माइकल भाई आपके घर की बिजली जो है ना, वो जो है ना आपके घर की बिजली कट गई है माइकल भाई। अच्छा मेरे घर की क्या कट गई है? हाँ आपके घर की बिजली कट रही है यार। अच्छा तो आप क्या करेंगे? फ़िलहाल आप लोग मेरे घर चले ना। अच्छा चल ठीक है, सामान तो डाल गाड़ी में। हाँ हाँ मैं डालता हूँ, एक मिनट को डिग्गी खोलो यार। इधर एक तो ये पुलिस वाले यहाँ पर 2 मिनट भी खड़ा नहीं होने देते। जल्दी आ जिमी यार, सामान डाल मेरे साथ गाड़ी में।